नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं रवि रंजन। इस समय हम आपको बड़ी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। बाबा बागेश्वर इस समय पटना के महावीर मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए पहुंचे हुए हैं, दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। ताज़ा तस्वीरें हम आपको सीधे पटना महावीर मंदिर से दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं किस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है बाबा बागेश्वर का दर्शन करने के लिए। हालांकि आज मंगलवार के दिन पटना महावीर मंदिर में ऐसे ही भीड़ रहती है, लेकिन जब लोगों को पता चला कि बाबा बागेश्वर वहां पर पहुंच रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जब वहां पहुंचे, बड़ी संख्या में लोग पहले से ही उनका इंतज़ार कर रहे थे। उनके दर्शन करने के लिए हजारों की भीड़ जुट गई। लेकिन वो मंदिर में प्रवेश करते हैं, उसके बाद वो सीधे विग्रह के पास पहुँचे हैं, जहाँ यहाँ पर पटना महावीर मंदिर की ये खास विशेषता है कि यहाँ दो विग्रह हैं भगवान बजरंग बली के। और वहाँ पर धीरेन्द्र शास्त्री ने आरती किया, पूजा पाठ किया, कई मिनट तक वहाँ पर वो रहे और उसके बाद फिर वहाँ से वो निकले, लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान पटना स्टेशन के पास जो महावीर मंदिर है, मंदिर के परिसर के भीतर और बाहर हजारों की संख्या में लोग जुट गए। लोग एक नज़र देखना चाहते थे, धीरेन्द्र शास्त्री का दर्शन करना चाहते थे। इस मौके पर पटना महावीर न्यास बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आचार्य किशोर कुणाल, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पर आए हैं, तो उन्होंने कहा हाँ, एक बड़े धर्माचार्य हैं, वो आए हैं, आज उन्होंने दर्शन किया। पत्रकारों ने जब उनसे ये पूछा कि इतनी बड़ी भीड़ यहाँ जुट गई, मंदिर में सुरक्षा के इंतज़ाम क्या थे, भीड़ को नियंत्रित करने के इंतज़ाम क्या थे, तो इस पर आचार्य किशोर कुणाल ने कहा कि अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो बताएंगे कि पटना महावीर मंदिर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए क्या इंतज़ाम किया जाए। उनका कहना ये था कि हर मंगलवार और शनिवार को इस तरह से भीड़ जुट जाती है। हालांकि आज धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ आए थे और इस कारण से कुछ ज़्यादा लोग आ गए, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि उसके लिए क्या इंतजाम किया है। तो हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप सीधे वो तस्वीरें देखिए कि किस तरह से पटना महावीर मंदिर में जब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे तो कैसे लोगों की भीड़ उमड़ी। वहां धीरेन्द्र शास्त्री ने पूजा पाठ किया, फिर लोगों का अभिवादन स्वीकार करके फिर वहां से अभी वो निकल चुके हैं। आए उनका स्वागत है, हर भक्त का स्वागत है,
इतने बड़े धर्माचार्य हैं आए, हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, अच्छे शब्द बोले इसके लिए भी आभार व्यक्त करते हैं। क्या बातचीत हुई सर, क्या दर्शन? नहीं ऐसा नहीं, बातचीत हुई कथा में आने के लिए उन्होंने कहा, मैंने कहा कि मैं स्वस्थ हूँ, अभी 11 तारीख तक मैं वो दिल्ली हॉस्पिटल में था, ऑपरेशन कराकर लौटा हूँ, कभी आकर आप सबके दर्शन कर। इस भीषण गर्मी में, इस धूप में हम देख रहे हैं इतनी भीड़ जुट गई यहाँ पर, अचानक लग रहा है रामनवमी का माहौल। नहीं तो आजकल आप आइएगा मंगल के दिन तो 9 बजे से लेकर के 1 बजे तक यहाँ इतनी भीड़ रहती है कि पंक्तियाँ मस्जिद के उस पार तक चली जा रही हैं, किसी किसी दिन आर ब्लॉक तक चली जा रही है। कितनी भीड़ है, क्या हम लोग व्यवस्था करने जा रहे हैं, ये महाराज जी चले जाएंगे उसके बाद एक दिन हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब बात बतलाएंगे। आज मैं बहुत कह नहीं पाऊंगा, लेकिन 3-4 दिनों में आप लोगों के साथ वार्ता में सारी बातें महावीर मंदिर के प्रति, इनके प्रति भी जो कहना होगा उस दिन। सर महाराज जी भी हनुमान के भक्त हैं वो? नहीं नहीं ठीक है, सब जितने भी हनुमान भक्त हैं, राम भक्त हैं या किसी भी आस्तिक हैं, सबके प्रति हमारी असीम श्रद्धा है, भक्तों के प्रति, और भक्तों की जो भूल होती है हम लोग के शास्त्र में, उन सब के प्रति हम लोग असीम श्रद्धा, अगाध श्रद्धा रखते हैं। तो ऐसी तस्वीरों को देखने के लिए आप देखते रहिए लाइव बिहार। नमस्कार। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।